हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के रामगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने रेलवे के सहायक अधिशासी अभियंता को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ किया गिरफ्तार। एसीबी कार्यालय में परिवादी ने गोपनीय शिकायत दी। इसमें लिखा था कि उनकी फर्म को उत्तर मध्य रेलवे द्वारा राजनगर से रामगढ़ और भरतपुर से मंडावर क्षेत्र में अंडरपास बनाने के 15 करोड़ रुपए के 2 कार्य दिए गए थे, जिसमें से लगभग 90-95% कार्य पूरा कर दिया गया है। और उत्तर मध्य रेलवे के सहायक अधिशासी अधिकारी रमेश रिजवाल डिप्टी चीफ कार्यालय आगरा द्वारा बिल पास करने के 1% कमीशन के हिसाब से 1.5 लाख रुपया रिश्वत मांगा जा रहा है। इस पर एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और परिवादी द्वारा सहायक अधिशासी अधिकारी को कार्य का निरीक्षण करने और रिश्वत राशि देने के लिए रामगढ़ बुलाया गया। यहां एसीबी द्वारा पंचायत समिति के सामने किशनती स्टॉल पर रिश्वत की राशि 1.5 लाख रुपए बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, परिवादी ने आपके रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर है, परिवादी नाम उसने गोपनीय रखने की हमने इच्छा जाहिर की थी, तो उसका नाम गोपनीय रख रहे हैं। उसने शिकायत दी कि जो रेलवे में अधिशासी अभियंता है, सहायक अधिशासी अभियंता रमेश सिंह, वो मैंने जो निर्माण कार्य किए हैं, ब्रिज बनाए हैं रेलवे लाइन पर, उनके बिल पास करने की एवज में 1% कमीशन के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इस शिकायत का हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमने ड्रेप कार्रवाई आयोजित की है। आज सुबह आरोपी ने परिवादी को बताया कि आज मैं रिश्वत राशि लेने के लिए आपके वहां पर आ रहा हूं। तो आरोपी आगरा से चलकर, क्योंकि इसका ऑफिस आगरा में है, उत्तर मध्य रेलवे ब्रिज रेलवे के नाम से इसका ऑफिस है, डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिज लाइन रेलवे आगरा से है, वहाँ पर इसका ऑफिस है, वहाँ से ये आया। आकर के इसने जो साइट थी, जहाँ जहाँ भी परिवादी ने ब्रिज बनाए थे, वो साइट देखी इसने, और सारी साइट देखने के बाद में लास्ट में फिर ये रामगढ़ कस्बे के बीच में चाय की दुकान पर रुका और वहाँ पे चाय पी परिवादी के साथ बैठ के, और उसके बाद इसने रिश्वत राशि 1.5 लाख रुपए जैसे ही ग्रहण किया, परिवादी ने हमको इशारा किया और इशारा करते ही हमने आरोपी को ट्रैप किया। सर, ये मामला कब का है?